तो सुबह से मैडम और मैं गुच्छी ढूंढने के चक्कर में पूरा दिन गया, हालांकि हमारा रोजा था और अब अभी मुझे लगता है दो भी बज गए हैं ना, और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। मैंने मैडम को बोला चलो फटफटी पे गुच्छी ढूंढते हैं, तो पूरा खेत ही छान मारा और कहीं पे गुच्छी नहीं मिला। तो गुच्छी तो कनखिज को बोलते हैं, आप लोगों को पता ही है, बहुत महंगी सब्जी है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको जमा करके ना फिर बेचा करते हैं। तो मुझे नहीं पता है उसका कितना बेनिफिशरीज कितनी है गुच्छी, कितना मतलब कितने बेनिफिट्स हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछने की कोशिश करेंगे। मैडम आपको थोड़ा सा गुच्छी के जितने भी मतलब बेनिफिट, ज़्यादा तो सारे तो नहीं बता पाओगे, मोटे मोटे से कुछ बता दो। गुच्छी में होते हैं मतलब पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, वाइटामिन होता है, नेचुरल प्लांट नेचुरल सोर्स ऑफ वाइटामिन डी, और होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और होता है उसमें इसका ये मतलब लेके चलो, देखो अगर आपके विटामिन गिनने पे आएंगे लंबा वीडियो बनेगा, तो डेडलाइन से ज्यादा होते हैं कितने मुझे अलग अलग, मतलब उसमें अलग चीज है और गुच्छी में अलग है। अगर देखने पे जाएंगे तो गुच्छी में उससे डबल होंगे, गुच्छी में फैट्स नहीं होते हैं, फैट फ्री, हम गुच्छी का फ्लो बना सकते, फ्लो में डाल। अरे यार सुनो ना मेरी बात, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गुच्छी में अगर देखा जाए, कनखिज में अगर देखा जाए, यार आप लोग क्या करते हैं, आप लोग गुच्छी तो जमा कर लेते हो, आप लोग कनखिज तो जमा कर लेते हो, लेकिन उसके बाद लास्ट में आप लोग उसको बेच देते हो। भाई अगर कोई भी भाई गुच्छी मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लड़के जमा करते रहते हैं, एक एक किलो जमा करते हैं, दो दो किलो जमा करते हैं, उसके बाद सुखा के बेच देते हैं, 10,000 रुपये किलो 20,000 रुपये किलो बिकता है। क्यों इतना महंगा बिकता है, वो उतना महंगी चीज़ है तभी वो उतनी महंगी बिकती है। उससे अच्छा नहीं है कि आप लोग अगर जमा करते हो, यार खुद अपने जान से थोड़ी कीमती कोई चीज़ है, खुद का लो, क्यों बेच रहे हो, खुद का लो ना। हालांकि हम सुबह निकले थे ढूंढने के लिए, हमने सोचा था अगर हमें भी मिल जाएंगे, अगर हमारे हाथ में भी लॉटरी लग गई भाई, आज की सब्जी हम गुच्छी की बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमें कुछ नहीं मिला है, हमारे हाथ खाली हैं, और सामने वो डंडलाइन का वो पहाड़ दिखा है, जो अभी मैडम कह रही थी कि पहले डंडलाइन ही निकालते हैं, मतलब हंद कड़ोगढ़। मैं उनसे चाहते मैं खुदा सिंह पास वन मैडम करती है काम, ये पहले हंद को उबाल के ना उसका जो वो रस निकलता है पहले वही पिलाती है चाय के बदले, और इतनी मतलब अजीब सा उसका मतलब टेस्ट होता है, स्मेल भी अजीब सी होती है, लेकिन मतलब बेनिफिट्स हैं भाई, ऐसा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा टेस्ट के साथ। उसके बाद अब मैडम ने बोला पहले हम डेडलाइन ही निकालते हैं, मैंने बोला भाई नहीं डेडलाइन नहीं निकालने हैं, हम आज गुच्छी ढूंढते हैं, पहले आज हम गुच्छी ढूंढने के लिए आए हैं, आज गुच्छी ढूंढते हैं, अच्छा हम कनक छाने छाड़ो कनक जी मक्सर बनी कुछ कनक उबाया तो जना बेली ना उबाया बवन यह कथ वन बा अगर कहाँ बोल कनक लबान चु बाया पन्ने पान को चुन कहीं चीज गरे तलान पत खान हल्का सा उसमें तेल डाला करो, उसके बाद फ्राई करके ना खाया करो, क्योंकि ऐसा ऐसी नियामत आप सपने में भी नहीं देखोगे, ऐसे बेनिफिट्स आप सपने में भी नहीं सोचोगे। गुच्छी के कितने बेनिफिट्स हैं, जरूरी नहीं है आप सप्लीमेंट्री खाओगे, कुछ मेडिसिन खाओगे, कुछ नहीं होता है भाई, ये जो सप्लीमेंट्री भी खाते हैं ना पता है, बायोटिनस होते हैं, नाम के होते हैं नहीं होते हैं यार, नाम के होते हैं, जिस तरह आप केसर की कुल्फी लेते हो कुछ नहीं होते हैं भाई, हम लोग जब केसर की कुल्फी भी खाते हैं उसका मतलब थोड़ी है उसमें केसर होते हैं, नहीं केसर होते हैं भाई, केसर वाला फ्लेवर होता है उसमें, केसर आपको 1,00,000 रुपए के जी है 1,50,000 रुपए के जी है तो आइसक्रीम में थोड़ी केसर डालेंगे, सोचने वाली बात है ना, नहीं है उसमें खाली फ्लेवर होते हैं केसर वाला, केसर नहीं होता है उसमें। यानी कि अगर जड़ी बूटी देखा जाए, अगर ये मतलब जो भी होते हैं, अगर ये पत्ता भी आप देख लो, अल्लाह ताला ने फजूल इसको नहीं बनाया, ये भी एक किस्म की जड़ी बूटी होगी, हमें इन चीज़ों को उसे अवेयर होना चाहिए। आजकल खासकर आपके हाथ में फ़ोन 24 घंटा रहता है, और आप मतलब इसमें मतलब देखा करो किस चीज़ में, मतलब अपना इलाज आप अपना डॉक्टर खुद बन सकते हो, जैसे मैं हूं, अपना डॉक्टर खुद बन सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर के पास जाओगे, नहीं आपके हाथ में डॉक्टर हैं, आपका अगर किसी चीज़ का सिम्टम आ रहा है तो आप आराम से अपना इलाज कर सकते हो, आप जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर सकते हो, आपके मतलब अगल बगल में बहुत सारे जड़ी बूटी होते हैं जिनका आपको नहीं पता रहता,
लेकिन इंशाल्लाह रहमान हम बीच बीच में हर एक जड़ी बूटी की अहमियत खासियत सब कुछ बताया करेंगे। हाल फिलहाल हम गुच्छी ढूंढने के लिए निकले थे जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं मिली है। उठो मैडम, लेट भी हो रहे हैं, क्या पता है रास्ते में कुछ हमारे जाते जाते हमारे मतलब गुच्छी हाथ में आए। और आपको ये देखो कितने खूबसूरत बागात हैं और एक मजा आया है। गुच्छी का नामो निशान नहीं है कहीं पे भी, नहीं कुछ नहीं है यार, है नहीं हमारी किस्मत में, कहाँ से लाओगी। यहाँ ना खेती बाड़ी से मैंने एक अलग सा आनंद होता है, मतलब इसीलिए जो मतलब गांव की लाइफ है ना एकदम मजेदार लाइफ होती है, एकदम पुरसकून लाइफ होती है, एकदम चारों तरफ खामोशी ऑर्गेनिक लाइफ होती है बिल्कुल। लेकिन मैडम को यहाँ पे भी नजर है, किस पे मैडम आज के बाद यार दो दिन कम से कम बीच में, ओ यार दो परसों से तीन बार खाइए मीट के साथ या किसी के साथ भी दे दोगे तब भी हंदी खाने को मिलती है ना दोस्तों। तो मैं आपको ये बता के चलता हूँ कि अभी अगर हमें गुच्छी मिल जाती तो अलग मजा आ जाता, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, गुच्छी का नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, कल अगर मैं एक किसी जमा नहीं किया ना, मैं भी सलमान खान नहीं, लेकिन मैडम भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई हैं। मैडम चमक पड़ रही है रोज, नहीं यार अभी तो हम 10 किलोमीटर भी नहीं चले हैं, वो लोग भी कैसे होते हैं जो 100-100 किलोमीटर हाँ, चलते हैं ना, लेकिन आज रोजा है ना, मतलब था कुछ नहीं होता है, रोजा है तो क्या है, रोज एक्टिव है ना यार, चलना चाहिए यार बीच बीच में। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमें भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।